व्यूवर्स, आज मैं कोफ्ता बनाने जा रही हूँ जिसमें पीसे हुआ गोश्त लिया आधा किलो, 5 बड़े चम्मच पीसी हुई प्याज, 5 बड़े चम्मच सत्तू, 1 प्याज फ्राई किया हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच नमक, गरम मसाला, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा धनी पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्च। ये शुरू करते हैं। 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, प्याज फ्राई किया सा, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच गरम मसाला, सत्तू सा, मिक्स करना है। अब इसके मीडियम आकार का गोली बनाना है। गोली सब बन चुकी है, अब फ्राई करने जा रहे हैं। ये 4 बड़े चम्मच तेल डालकर इसको फ्राई करने जा रहे हैं। सारी गोली फ्राई हो चुकी है। जब तेल जो बचा है उसमें और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर उसमें तो मसाला भुनने जा रहे हैं। पहले 30 पत्ता डालकर तेल को गर्म करके सारे मसाला को भुनना है। प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, मिर्च डालकर भूनना है। अब अपने हिसाब से नमक डालना है। चम्मच पानी डालकर छुपा देना भूनने तक। मसाला इसमें ऐड करके 5 मिनट के लिए ढक देना। मिनट हो जाए तो गोली ऐड करके हल्का से हल्के चलाना है। मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए ढक देना है।
अब इसमें गर्म पानी एक प्याला डालकर ढक देना 10 मिनट के लिए। आँच को धीमी रखना है। जब 10-15 मिनट हो जाए तो चूल्हा ऑफ करके धनी पत्ता डालकर ढक देना। रेडी हो गया है। अब मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।